बटर से पराठा, घी से पराठा, तेल से पराठा बना सकते हैं, लेकिन डीजल से पराठा बनाते क्या आपने कभी सुना है? दरअसल ये मामला है चंडीगढ़ का और सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो एक ढाबे का है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये पराठा डीजल में बनाया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि इस वीडियो में आलू की स्टफिंग के बाद वो टीन से काफी ज्यादा मात्रा में तेल इसके ऊपर डाल देता है और पराठा बनाता है। वीडियो में पराठा बनाने वाला फूड ब्लॉगर से कहता है ये डीजल पराठा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग भड़क गए हैं और ढाबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर डाली। और अब इस ढाबे की मालिक ने इस मामले में सफाई दी है, तो ऐसे में आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा ढाबे की मालिक ने। मेरा नाम चन्नी सिंह है भाजी। चन्नी सिंह जी, एक वीडियो वायरल हो रही है भाजी। डीजल पराठा नाम की कोई चीज़ नहीं है भाजी यहाँ पे बनती, और ना ही हम लोगों को यहाँ पे सर्व करते हैं। ये तो एक जस्ट फन के लिए एक ब्लॉगर ने इस वीडियो को बनाया था जी। ऐसा कि कॉमन सेंस वाली बात है, कोई भी डीजल में पराठा ना कोई खाएगा ना कोई बनाता है जी। सर हमें तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, हमें कल ही पता लगा कि हाँ भी ऐसे ये वीडियो वायरल हो गई है। और हमने वो जो जिस ब्लॉगर ने वीडियो बनाई थी वो डिलीट भी कर दिया, और उसने लोगों से और जो अपने चंडीगढ़ वासी हैं और जो अपने जो लोग हैं यहाँ पे इंडियंस जो ब्लॉगर्स हैं जो भी, सबसे उसने माफ़ी भी मांग ली है कि उसने सिर्फ एक टाइटल दिया था उसको डीजल परोंठे का, ना कि डीजल परोंठा कोई बना था यहाँ पे। हम एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं सर, फॉर्च्यून रिफाइंड यूज़ करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम हाइजीनिक खाना लोगों को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, और काफ़ी लंबे अरसे से हम लोगों को सेवा कर रहे हैं सर यहाँ पे। और सर हमारा लंगर भी जाता है सर यहाँ से, बल्कि सरबजा वाला फाउंडेशन है चंडीगढ़ में सर, वहाँ पे पीजे में हम लंगर भी बन के जाता है। हम लोगों की सर जान से नहीं खेलते लोगों की, ना कोई हमारी ऐसी कोई मंशा है कि लोगों की हेल्थ से खेलें। हम अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं और आगे भी ऐसा ही खाना, अच्छा खाना ही प्रोवाइड करते रहें। सर मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप सर बबलू वैष्णो ढाबा पे जम मर्जी आप खाना ट्राई कर सकते हो। हम ऐसा डीजल वाला परौंठा यहाँ पे नहीं बनाते हैं, और ना ही हमारे कोई मेन्यू में यहाँ पे डीजल वाला परौंठा है। और हम लोग बड़े अच्छे ही ढंग से खाना बनाते हैं और सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि देखो ये खाना हम भी खाते हैं सर, तो हम लोग दूसरों की हेल्थ से नहीं खेल सकते, और ना ही हमें ये सिखाया गया। हम पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही यहाँ पे खाना सर लोगों को सर्व करते हैं। ढाबे के मालिक ऐसे दावों का खंडन किया है। ढाबे के मालिक चन्नी सिंह ने बताया कि हम ना तो डीजल पराठा जैसी कोई चीज बनाते हैं और ना ही ग्राहकों को ऐसी कोई चीज परोसते हैं। एक ब्लॉगर ने ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन पर्पस के लिए बनाया था। मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो जाएगा। जब पता चला तब ब्लॉगर ने भी इसे अपने पेज से हटा दिया और लोगों से माफी भी मांगी है। हम लोगों के जीवन से नहीं खेलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार।